क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस बार भारत रत्न देने में बहुत दिमाग लगाया है? क्योंकि भारत सरकार ने इस साल भारत की 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी के 5 M है जिन्हें वो टारगेट कर रहे हैं। कैसे? इसमें पहला M है मंडल। इस साल का सबसे पहला भारत रत्न पुरस्कार बिहार के कर्पूरी ठाकुर जी को दिया गया था और कर्पूरी ठाकुर जी वही इंसान है जिन्होंने 90 के दशक में मंडल कमीशन की सिफारिश की थी। दूसरा M है मंदिर। इस साल का दूसरा भारत रत्न लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तीसरा M है मार्केट का। 1991 में गहरी आर्थिक गड़बड़ी के बाद पीवी नरसिम्हा राव ने भारत को ग्लोबल मार्केट के लिए खोल दिया था। चौथा M है मिलेट्स। भारत में हरित क्रांति लाने के लिए कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और इसी की वजह से भारत में अनाज और मिलेट्स की पूर्ति हुई है। पांचवा M है मंडी का। हरित क्रांति के बाद किसानों के हक को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कई बड़े फैसले लिए थे। इसी को देखकर भारत सरकार मंडल, मंदिर, मार्केट, मिलेट और मंडी का प्रतिनिधित्व करने वाली इन 5 हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। आपको यह सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।